हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासेस का चैप्टर नंबर 5 इंटीजर। राइट, तो साइज 5.1। बिफोर स्टार्टिंग साइज, पहले थोड़ा इंटीजर वाइज समझ लेते हैं होता क्या इंटीजर। तो एक बात समझो, नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू, इधर जाओ इधर जाओ, इन सबको मिला के बनता है इंटीजर। इन सबको मिला के बनता है इंटीजर, ठीक है ना। तो तुम पहले साइज में ज़्यादा तुम्हें जानने जरूरत है नहीं। अच्छा, एक चीज़ मेन, इंटीजर को डोनेट करते हैं हम लोग जेड से या तो आई से। इंटीजर डोनेट किया जाता है किससे, या तो जेड से या तो आई से। ओके, और जीरो जीरो, बात सुनते रहो ध्यान से, जीरो जीरो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। जीरो को हम ना पॉजिटिव में इंक्लूड करते हैं ना ही जीरो को नेगेटिव में इंक्लूड करते हैं। बात समझ आ गई। तो बस इतना समझ जाओ इंटीजर कि कोई भी वैल्यू जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं है, सिंपल वैल्यू ऐसे कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इधर बढ़ जाते हैं, जीरो लगा के -1 -2 हम लोग इधर बढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सब -3 ऐसे बढ़ता रहेगा। ओके, तो ये सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। बात समझ आ गई। चलो चलो 5.1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बुक सबके पास होगी इसलिए मैंने बहुत सवाल नहीं लिखे हैं, सिर्फ पहले लिख दिया। तो हमें करना क्या है, पहला इसका फर्स्ट में क्या है, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सब का क्या लिखना है, अपोजिट। तो एक बात समझो, लूजिंग का अपोजिट क्या होता है, किसी चीज़ को लूज करने का अपोजिट क्या होगा, उसका गेन है ना। तो इसका अपोजिट होगा गेन ऑफ वेट ऑफ 20 kg। बात समझ आ गई। बी में देखो गोइंग ईस्ट है, बी क्या है, गोइंग ईस्ट, तो उसका आंसर क्या होगा, गोइंग वेस्ट। जस्ट अपोजिट लिखना है तो गोइंग वेस्ट। अब विड्रॉल ऑफ 2000, अब विड्रॉल मतलब होता है निकालना, तो जब बैंक से निकालते हो तो उसे कहते हैं विड्रॉल, ठीक है ना। और अगर बैंक में जमा कर रहे हो उसे कहते हैं डिपॉजिट। तो विड्रॉल का अपोजिट क्या होगा, डिपॉजिट। -50 का अपोजिट क्या होगा, +50। बात समझ आ रही है, -50 का अपोजिट क्या होगा, +50। टेम्परेचर बिलो नॉर्मल, तो नॉर्मल से बिलो है तो भाई टेम्परेचर अबव द नॉर्मल। राइट, टेम्परेचर अबव द नॉर्मल, तो यही सिर्फ अपोजिट लिखना है। एडिंग 4 तो सब्ट्रैक्टिंग 4, 7 स्टेप राइट 7 स्टेप लेफ्ट हो जाएगा उसका। लॉस ऑफ ₹630 तो गेन ऑफ ₹630। आई थिंक पहले वाले किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है ना, अगर होगा तो मुझे बताना, ठीक। चलो इतना तो नोट कर लो, फिर करते हैं इसका सेकंड। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें क्या करना है, ये जितने लिखा है लैंग्वेज को इसको इंटीजर फॉर्म में इंडिकेट करना है, ठीक है ना, इनका इंटीजर बताना है। तो देखो क्या लिखा है, अ डिपॉजिट ऑफ 400। तो अगर ₹400 तुम डिपॉजिट कर रहे हो तो यानी तुम्हारा प्लस हो रहा है, यानी +400। राइट, 25 बिलो, बिलो मतलब नीचे, जीरो को नीचे जा रहे हो भाई 25, तो ये होगा -25 डिग्री सेल्सियस। राइट, अ गेन ऑफ, गेन भाई गेन मतलब प्रॉफिट ही होता है, तो यानी +400। 1400 किलोमीटर अबव द सी लेवल, भाई अबव गए हो यानी ऊपर गए हो। राइट, अच्छा ये बात ध्यान रखो, 30 स्टेप लेफ्ट, लेफ्ट का हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, तुम्हारा लेफ्ट इसका लेफ्ट एक ही बात है, ठीक है। तुम ऐसे ही खड़े होके राइट और लेफ्ट देखोगे, तुम्हारा लेफ्ट और यहाँ का लेफ्ट हमेशा एक होगा। ये सिर्फ इस सवाल के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैथ में कहीं पर भी, मैथ में कहीं भी पर भी, तो यही बात याद रखना। तो नेगेटिव लगा दिए तुम्हारा 30 स्टेप लेफ्ट हो गया। एडिंग 5 यानी +5, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। चलो इसे नोट कर लो, फिर इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो करते हैं थर्ड। देखो क्या लिखा है, राइट द अपोजिट ऑफ, तुम्हें इसका अपोजिट लिखना है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, देखो ये प्लस है, बस इतना ही ध्यान देना है। प्लस का अपोजिट होता है माइनस, और ये क्या माइनस, माइनस का अपोजिट होता है प्लस। बात समझ आई, सिर्फ तुम्हें सिंबल्स ध्यान देने हैं। तो प्लस का अपोजिट माइनस और माइनस का अपोजिट प्लस, ये तो पता ही है ना। चलो करते हैं फोर्थ, राइट ए नंबर विच इज इट्स ओन अपोजिट, जो खुद का अपोजिट हो। तो देखो इसका आंसर है 0। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि 0 का ऐसा नंबर है जो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है ना, वो नेगेटिव होता है ना ही उसे पॉजिटिव गिनते हैं हम लोग, ठीक। तो 0
ही खुद का अपोजिट होता है, जीरो अपोजिट ऑफ इट्स ओन। ना इसमें नेगेटिव लग सकता है, इसका नेगेटिव का भी कोई मतलब भी नहीं है और ना इसके पॉजिटिव का मतलब है। बात समझ में आ गई? चलो नोट कर लो इसे भी। तो इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।